अलैकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। आज जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम ऑफ मेनेलस एंड सिवा, दोनों की एप्लीकेशन है, दोनों की कंबाइन एप्लीकेशन है, एक ही ट्रायंगल के साथ दोनों को कंबाइन करके डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे दोनों में जो चेंज था वो मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जो मेनेलस थ्योरम है। अभी क्लास के पार्टिसिपेंट अभी ऐड हो रहे हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। फिर आप फातिमा अपना रोल नंबर पहले लिखें और नेम बाद में। 4930 इसको मैंने थोड़ा सा जूम नहीं किया ज्यादा, क्योंकि जो नीचे डायग्राम बनी हुई है ट्रायंगल वाली उसके साथ कंपेयर किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको जूम ज्यादा नहीं किया। इसको मैं भी जूम भी करती हूँ थोड़ा सा और, क्योंकि ये मजीद हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम से रिलेटेड डायग्राम है। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ मेनेलस एंड सिवा। मेनेलस थ्योरम जो हमने किया था उसके अंदर ट्राइंगल की दो साइड को टच करता है, वो जो पॉइंट पास करता है वो थर्ड वाली जो साइड है उसको एक्सटर्नली टच करता है, इंटरनली टच नहीं करता। बट इन द सिवे थ्योरम, सिवे के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्टेक्स को टच करती हुई लाइन जो है बाकी साइड्स को टच नहीं करेगी, वो एक वर्टेक्स से पास करती हुई जो लाइन है जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ड्राज किए थे हमने, और परपेंडिकुलर जो ड्रा किए हुए थे वो डिफाइन करते थे एक पॉइंट के अकॉर्डिंग, इंटरनली साइड्स को कट करते थे, परपेंडिकुलर ड्रा करते थे। मेनेलस में जो डिफरेंस था उसके तीनों पॉइंट्स जो थे तीनों साइड्स के अकॉर्डिंग एक साइड को एक्सटर्नली टच करता है, तो लीनियर पॉइंट्स थे, एक ही लाइन पे आते थे, जबकि सिवा थ्योरम के अंदर जो पॉइंट्स थे वो कोलिनियर नहीं थे, वो तीनों साइड्स के लिए डिफरेंट पॉइंट्स थे, तीनों साइड्स के हिसाब से डिफरेंट पॉइंट्स थे, वो सम टाइम वो लाइन में से टच करते हैं, तीनों आपस में टच करते हैं और सम टाइम नहीं टच करते। अब आज जो है उससे रिलेटेड उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है, यहाँ पे दो तीन बुक के अंदर ही है, पेज नंबर 67 पे है। सबसे फर्स्ट पे है 2.4.1, यहाँ पे थ्योरम है। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट है, इफ ए डी बी सी सी एफ आर एनी थ्री कंकरेंट सेवन लाइंस ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले तो ट्राइंगल यहाँ पे आपने देखनी है क्या है, ये ए बी एंड ये सी, ये ट्राइंगल है, सी वाली साइड जो है वो ये वाली, बिल्कुल ये वाली साइड है, ठीक है, ये वाली साइड जो है ये सी वाली है। ए बी और सी हमारे पास कोई सी भी ट्राइंगल है, उसके ऊपर थ्री डिफरेंट लाइंस हैं, सीवियर लाइंस हैं जो ड्रा की हुई हैं, ए डी, ए से ये डी जो हमने ये डिफाइन किया हुआ है, ए वाली साइड से जो परपेंडिकुलर लिया हुआ है डी वो किस लाइन पे है, बी सी लाइन पे, बी से ई ये सीवियर लाइन है जो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए सी साइड पे, सी से जो परपेंडिकुलर है वो ए बी साइड पे है वो ये एफ है, ये लाइंस हैं। अभी ये जो बिल्कुल पूरी ये वाली लाइन है, ये वाली ए ई और डी, ये अभी किसने एक्सप्लेन नहीं की, कोई सी भी ट्राइंगल ये ए बी सी उसके ऊपर थ्री सीवेंस लाइंस ली है, सीवन लाइंस जो है वो बाकी दोनों साइड्स को किस साइड पे टच कर रही है, वो पॉइंट है यहाँ पे एक डी ई और एफ, जो हमारे ट्राइंगल की साइड है, बी सी को वो डी लाइन पॉइंट पे टच कर रही है, सी ए या ए सी को वो ई पॉइंट पे टच करी है, और ए बी को वो एफ पॉइंट पे टच करी है। एंड इफ डी डैश डिनोट्स द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी सी एंड ई एफ या एफ ई, डी डैश पॉइंट लिया है किस साइड पे लिया है, बी सी को जो वो टच कर रहे हैं, अब बी सी ये यहाँ तक बी सी है, बट बी सी कहाँ तक है, एक्सटेंड किया हमने डी डैश तक,
साइड ये बीसी ही कहलाएगी क्योंकि हमने उसको एक्सटेंड किया है, तो वो साइड चेंज नहीं होगी कि साइड वही कहलाएगी। कहता है बीसी पे एक पॉइंट हमने लिया डी डैश जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां से इंटरसेक्ट कर रहा है, वो ई एफ को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट ऑफ बी सी एंड ई एफ एक पॉइंट हमने इस फॉर्म में लिया है जो इन दोनों लाइंस को टच कर रहा है। अब इन दोनों लाइंस को वो जो पॉइंट टच कर रहा है वो यहाँ पे डी डैश है, दोनों साइड्स पे टच कर रहा है, बी डी बी सी साइड को भी एक्सटेंड किया है डी तक, और ई एफ जो है या एफ ई साइड को भी हमने एक्सटेंड किया डी डैश तक, तो दोनों ने जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट हमारे पास डी डैश है। अभी तक यहाँ तक क्लियर है कि हमने एक ट्राइंगल लिया है उसके ऊपर सीवेंस लाइंस ली है जो तीनों साइड को एक एक पॉइंट पे टच कर रही है, उसके बाद बी सी साइड को एक्सटेंड किया और ई एफ एफ ई साइड को एक्सटेंड किया, तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करी एक पॉइंट डी डैश पे। यहाँ तक क्लियर है? मैम ये जो सीवियन लाइन से परपेंडिकुलर नहीं आ रही, सीवियन लाइन तो वर्टेक्स से पास कर रही है, सीवियन लाइन हमारे पास वर्टेक्स में से पास करती है और दूसरी साइड को टच नहीं करती, वो जिस पॉइंट पे ले रहे हैं ए, जैसे ए पॉइंट पे लिया है वो उस साइड उसकी साइड को टच नहीं करती, वो ये इस ये साइड एक है और ये एक साइड है जो दोनों साइड मिल के एक पॉइंट बना रही है ए इंटरसेक्ट होके, इन दोनों साइड को टच नहीं करती, इसके जो सामने वाली साइड है उसके ऊपर जो हम परपेंडिकुलर लेते हैं उसको टच करती है उसके 90 वाली फॉर्म में, जो हमने ऊपर किया था वर्क उसी को मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा से मिनेलस एंड सिवा थ्योरम में, यहाँ पे बिल्कुल डिटेल से मेंशन है, ये देखें ये ए साइड से हमने एक मिनेलिस लाइन ली थी एम एन, सॉरी सिवा लाइन ली थी एम एन, और ए पॉइंट्स की वो दोनों साइड्स को टच नहीं करती, ना ही इस साइड को टच करेगी और ना ही कहता है इस साइड को वो टच करेगी, उसका परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा किया था जो कि हमारे पास टच कर रहा था थर्ड वाली लाइन जो बी सी लाइन, परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो टच कर रहा है सीवियन लाइन, वो भी सीवियन कहलाएगी क्योंकि हमने उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं की, हमने सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रा किया उसके ऊपर, तीनों लाइन जो है तीनों के अकॉर्डिंग, मैंने लास्ट टाइम जब आप लोगों को ये टॉपिक करवाया था तो मैंने ग्रुप के अंदर पिक्चर्स अभी भी होंगी वन बाय वन सेंड की थी कि साइड तीनों की फॉर्म किस तरह ली है और वन बाय वन उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लिया तो वो किस तरह एक दूसरी साइड को टच कर रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल से पिक्चर सेंड की हुई थी आप लोगों को। अब सिर्फ हम दोनों के अंदर जो रिलेशन है मिनेलस और सीवा के अंदर एक ही ट्राइंगल में ड्रा करते हुए उसको डिफाइन करें यहाँ पे। अब कहता है यहाँ पर आपके पास जो फर्दर आगे प्रोसेस है ये छोटी सी जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, देन डी एंड डी डैश डिवाइड बी सी, ए से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है सीवन लाइंस के फॉर्म में वो मेरे पास साइड बी सी को टच कर रहा है डी पे, और थर्डली कहता है जो डी डैश पॉइंट है वो भी साइड बी सी को टच कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन दोनों की कंडीशन डिफरेंट है, वन इंटरनली एंड वन एक्सटर्नली, जो हमने शो करना है इन द सेम न्यूमेरिकल रेशो, हमने ये शो करना है कि उनकी जो रेशो है वो सेम है, न्यूमेरिकल रेशो सेम है, उसकी मैग्नीट्यूड रेशो जो है वो यहाँ पे सेम नहीं आएगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है एक ही अंदर है और एक ही बाहर है, तो इसके हमने न्यूमेरिकल रेशो जो है वो सेम करनी है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सीवियन लाइन और मिनेलस लाइन जो है मिनेलस पॉइंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो लाइन बनती है एक ही ट्राइंगल के अंदर उसने डिफाइन की है, तीनों की कंडीशंस यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है, ट्राइंगल हमने लिया ए बी सी उसके अकॉर्डिंग सिविल लाइन ड्रा की है, सिविल लाइन ड्रा की है या आप पहले मिनेलिस लाइन ड्रा कर लें तब भी कोई इफेक्ट नहीं है, ये कन्वर्सली भी प्रूफ हो सकता है, जस्ट यहाँ पे शो ये करना है कि जो सिविल लाइन है उसने जो बी सी साइड को टच किया पॉइंट बी पे और जो मिनेलिस पॉइंट्स हैं डी डैश जो बी सी को टच करना है एक्सटर्नली उनकी रेशियो जो है वो इस लाइन पे सेम है, सिर्फ हमने यही यहाँ पे शो करनी है कि दोनों सेम रेशियो के साथ जो है उसको टच करते हैं। सिंस अब उसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, सिंस ए डी, अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गया तो मैं प्रूफ करवाती हूँ, स्टेटमेंट क्लियर है, कन्वर्सली यहाँ पे उसने पूछा नहीं हुआ लेकिन कन्वर्सली का क्या, बस यहाँ पे सिर्फ यही तो है चीज कन्वर्सली,
कन्वर्सली के लिए जरूरी तो नहीं है कि यहाँ जो पे हम पहले पॉइंट, बोले बोले वो कन्वर्सली में यही आ जाए ना कि पहले हमने पॉइंट्स लेने हैं साइड पे, ठीक है, यानी कि हमने ए बी के ऊपर एक पॉइंट दिया, ए बी जो लाइन है एफ, और दूसरी पे हमने ई ले लिया कि ए सी साइड पे, ठीक है, बाद में इनको मिलाया और हमारे पास जो थर्ड पॉइंट डी डैश बन जाएगा, यानी कि पहले हमने पॉइंट्स निकाल लिए ना, और अब ये जरूरी तो नहीं कि जो सी कॉर्नर को एफ के साथ मिलाए तो वो परपेंडिकुलर ही हो सी से, ये सी वी एन। क्वेश्चन आपका बिल्कुल जेन्युइन है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ रेशियो के हिसाब से कन्वर्सली बोला है, और अगर आप इसको दूसरे वे में देखें, लाइंस के अकॉर्डिंग या सीवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, तो ये कन्वर्सली मे और मेन और प्रूव है। मैंने सिर्फ रेशियो के हिसाब से बोला है कि रेशियो आप डी डी डैश की ले लें या बी सी के अकॉर्डिंग रेशियो ले लें, उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। हम सिर्फ बिल्कुल यहाँ पे रेशियो ही फाइंड करें, बाकी चीजें बिल्कुल उसने डिफाइन की है। अब अगर आप में से नहीं कोई भी रेशियो कह रहे हैं मिनेलिस ना, थ्योरम, मिनेलिस जो है वो लाइन पहले लेता है, इन केस में ये मिनेलिस लाइन लेती हूँ यहाँ पे इस फॉर्म में, ठीक है। ये मैंने दो पॉइंट्स लिए इन दोनों साइड पे, इन केस में इसको खैर यहाँ पे लेती हूँ, बिल्कुल ये मैंने ए और ए बी और ए सी साइड पे ये दो पॉइंट्स लिए हैं, इनको अगर मैं बिल्कुल मिलाऊंगी तो ये बहुत आगे जाके यहाँ पे कहीं पे जाके थोड़ा सा टेढ़ा होके मिलेंगे। ये मैंने जी यहाँ पे सीधा लिया है ना, थोड़ा सा टेढ़ा करके लेंगे तो बिल्कुल आगे जाके मिलेंगे। तो ये इसके जी मैम, अकॉर्डिंग जब आप सिविल लाइन्स लेंगे तो वो कभी भी इन दो पॉइंट्स पे नहीं आएंगे, क्योंकि बी का परपेंडिकुलर कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा। बी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा। उसके लिए थ्री डिमेंशन भी अगर आप शेप ले लें तो वो बिल्कुल भी इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करेगी। लाइंस सीवियन लाइंस और यस मिनेलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग, मिनेलिस लाइंस के अकॉर्डिंग इसका कन्वर्स जो है वो मे और मे नॉट की फॉर्म में है, क्योंकि पॉइंट्स अगर हम सेंटर में उसके ले रहे हैं उस कंडीशन के हिसाब से तो है ठीक है, अदरवाइज वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सिर्फ रेशियो के हिसाब से मैंने बोला है कि इसकी रेशियो जो है वो कन्वर्सली फॉर्म में प्रूव होगी, कि अगर न्यूमेरिकल रेशियो दो साइड्स की, एक साइड की न्यूमेरिकल रेशियो दो पॉइंट्स के हिसाब से सेम है, तो इट्स मीन उसकी जो पॉइंट्स हैं उन्होंने उसको सेंटर पास से टच किया हुआ है इंटरनली और एक्सटर्नली। न्यूमेरिकल रेशियो का वर्ड यहाँ पे सिर्फ इसीलिए बोला है क्योंकि दोनों की रेशियो सेम नहीं आएगी, एक की रेशियो आएगी पॉजिटिव और एक की रेशियो आएगी नेगेटिव। हमने जो थ्योरम किया था मिनेलिस, उसके अंदर माइनस का साइन था, इक्वल में माइनस के साइन के साथ, और मैंने इसको प्लस के साथ भी प्रूव करवाया था। माइनस के साइन के साथ इसलिए मैंने इसको प्रूव कराया था कि जब आप मैग्नीट्यूड फॉर्म लेते हो, डायरेक्शन फॉर्म आ जाती है, उसकी वजह से साइन जो है वो माइनस आ जाता है, क्योंकि बाकी साइड जो ए और बी के अकॉर्डिंग रेशियो ले रहे थे वो थी हमारे पास ए एफ और एफ थी, बट जब बी से हम ले रहे थे डी तक, यहाँ पे जो डी डैश है वो आनी थी बी से सी और सी से डी, बट पॉइंट जो था वो कन्वर्सली नहीं आता, तो हमने फिर इसको फॉर्म ली थी बी से डी और डी से सी फॉर्म, इसलिए मेरे पास जो था वो नेगेटिव फॉर्म आई थी और बाकी जो थी वो रेशियो सेम थी। लेकिन यहाँ पे यही चीज है कि जब हमने सिविलियन के साथ किया था, सिविलियन के साथ तो वो सेम थी, पॉजिटिव रेशियो आ रही थी, मिनेलिस के साथ नेगेटिव आएगी तो ऑटोमेटिकली वो न्यूमेरिकल रेशियो जो है वो सेम आएगी, बट अकॉर्डिंग टू साइन जो है वो डिफरेंट है। अब जो है यहाँ पर, सिंस ए डी बी ई एंड सी एफ आर कंकरेंट लाइन, कंकरेंट से क्या मतलब होता है? जो एक पॉइंट पे मिले हैं। हाँ, एक पॉइंट से पास करती हुई लाइन या एक पॉइंट पे आके वो मीट करें, वो लाइंस हमारे पास कंकरेंट लाइन कहलाती है, या एक पॉइंट पे पास करती हुई आगे गुजर जाए लाइन्स। इसकी तीनों कंडीशन होती हैं, या तो लाइन में से निकलें, पॉइंट में से निकलें, या पास करें या आप टच करें, वो तीनों कंडीशन इसकी होती हैं कंकरेंट लाइन की। कहता है ए डी बी ई और सी एफ, ये एक पॉइंट इसके ऊपर ये देखें, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करें तो ये कंकरेंट लाइन है। वी हैव बाय सीवन थ्योरम, तो सीवन थ्योरम हमारे पास क्या है, सीवन थ्योरम हमारे पास है कि इनकी जो रेशियो है बी से डी एंड डी टू सी, सी ई ए और ए एफ और एफ बी, इनकी जो रेशियोज हैं तीनों साइड्स की वो इक्वल टू आती है 1 के। यहाँ पे देखें प्लस 1 वाजिया मेंशन है, सीवन थ्योरम जो है वो कभी भी नेगेटिव के साथ प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ही तीनों साइड्स के अंदर ही वो पॉइंट आते हैं जिसकी वजह से रेशियो जो है वो इक्वालिटी के साइन को होल्ड करती है। मिनेलिस के अंदर रेशियो जो है वो नेगेटिव इसलिए चली जाती है कि पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल हो जाते हैं। नाउ सेकेंडली, अब यहाँ पे मिनेलिस थ्योरम उसने अप्लाई किया है, तो मिनेलिस लाइन ली थी हमने ए एफ ई और डी डैश के हिसाब से, ये डी डैश एफ और ई, इसके हिसाब से हम अपने मिनेलिस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मेरे पास बनेगा बी से डी डैश
ओवर डी डैश टू सी एंड फिर सी से ई और ई से ए और ए टू एफ और एफ टू बी इज इक्वल टू किसके है मेरे पास माइनस वन क्योंकि यहाँ पे उसका वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म ले रहा है. इट फॉलोज दैट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर मैं इसको वन का नेम देती हूँ और इसको मैं टू का नेम देती हूँ तो इसके अंदर सी ई ई ए ये दोनों सेम है हाईलाइट कर रही हूँ ठीक है ये सेम है. उसके बाद ए एफ और एफ बी जो है ये दोनों भी सेम है. पीछे आपके पास क्या रह गया है बी डी और डी सी और सेकेंडली बी डी डैश और डी सी डैश वो वन के इक्वल है और ये माइनस वन के इक्वल है. इट्स मीन दोनों की जो इक्वालिटी है फॉलोज दैट बी डी ओवर डी सी इज इक्वल टू माइनस बी डी डैश ओवर डी डैश सी दोनों जो है वो सेम है बट इंटरनली और एक्सटर्नली वो आपस में टच कर रही है तो देन इट्स न्यूमेरिकल रेशियो आर सेम बिकॉज ऑफ इंटरनली एंड एक्सटर्नली टचिंग फॉर्म. हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल रेशियो सेम है दोनों जो है वो लाइन को टच जरूर कर रही है लेकिन एक इंटरनली कर रही है और एक्सटर्नली कर रही है. इंटरनली के लिए वो पॉजिटिव ही रहेगी एक्सटर्नली के लिए जो है वो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है जिसकी वजह से साइन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा. ये चीज हमने शो करनी थी बायम सिवा और मेनेलिस थ्योरम दोनों एक ही ट्राइंगल के ऊपर हमने ड्रा की है दोनों लाइन्स और उसके अकॉर्डिंग हमने अपने थ्योरम से पहले प्रूव कर चुके हैं उन्हीं की स्टेटमेंट यहाँ पे यूज की है. यूज करने के बाद दोनों को कंपेयर किया आफ्टर कंपेयरिंग आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया है कि दोनों लाइंस की जो रेशियोज है न्यूमेरिकल रेशियोज वो सेम है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन उसकी डिफ्रेक्शन डिफरेंट है जिसकी वजह से साइन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है. ठीक है क्लियर है. अब नेक्स्ट वाले थ्योरम पे चलूं. अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया उसने दो ट्राइंगल जो है वो कोलिनियर है कोप्लेनर फॉर्म है यहाँ पे उसके लिए उसकी लाइंस कोलिनियर होंगी. नीचे जो थ्योरम दिया हुआ है रिजॉल्वर्स टू ट्राइंगल थ्योरम उसी के लिए उसने ऊपर डेफिनेशन दी है कॉपलर की. दो ट्राइंगल जो है वो आपस में सेम है उनकी लाइंस किस फॉर्म में सेम आती हैं किस साइड पे टच करती हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे जो ट्राइंग डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड्स हैं कंक्रीट है एक ही लाइन पॉइंट से पास करती हैं. अब वो कैसे पास करेंगी वो भी मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करूंगी. और उसके बाद कॉक्सियल कॉक्सियल का वर्ड पहले सुना नो मैम. ये ज्यादातर यूज होता है केबल्स वगैरह में कॉक्सियल केबल. इसमें केबल के नेम भी है ये तार जो है वायर होती है हाई कैपेसिटी की जो वायर है वापडा में यूज होती है उसका नाम ही उन्होंने कॉक्सियल केबल रखा है. इसके अंदर एक तार बाहर से एक ही फोल नजर आता है ब्लैक कलर का उसके साथ उन्होंने अंदर एक स्टील की लाइंस जाल सा होता है उसके अंदर तारें फिक्स की होती हैं. वो बहुत सारी तारें निकलती हैं अंदर से पास करती हैं. कॉक्सियल का वर्ड भी यही होता है कि एक एक्सिस से पास करती हुई बहुत सारी लाइंस हैं एक सिंगल एक्सिस से पास करती हुई लाइंस कॉक्सियल लाइंस कहलाती हैं. यहाँ पे जो पीछे ए ए डैश बी डैश ये फॉर्म देगा वो कॉक्सियल ही उसको आगे बोलेगा वो सारा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे टू ट्राइंगल सबसे पहले लिए हैं ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर सेड टू बी कॉपलर. ये ए बी सी ये लाइन उसने ये देखे दूसरी लाइन के साथ ये ट्राइंगल को डिनोट किया है. ये ए बी सी एक ट्राइंगल है और दूसरी मेरे पास जो ट्राइंगल है ए डैश बी डैश और सी डैश ट्राइंगल है. ये दोनों ट्राइंगल्स हैं कॉपलर हैं. इफ ए डैश किस कंडीशन के साथ कॉपलर कहता कहलाएंगी अगर ए ए डैश बी बी डैश एंड सी सी डैश आर कंक्रेंट. ये लाइन लिया है ए ए डैश अब सबसे पहले तो ये कंक्रेंट लाइंस कहते हैं दोनों साइड्स को टच किया ये देखें एक पॉइंट उसको एक्सटेंड किया उन्होंने लाइंस को आपस में मिलाते हुए ट्राइंगल्स की दोनों लाइंस को ये पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन को एक्सटेंड किया है. उसके बाद सी और सी डैश पॉइंट को मिलाते हुए अगर आपको ये लाइन्स शो हो रही है ये देखें ये लाइन्स को मिलाते हुए पॉइंट्स को मिलाते हुए उसने लाइन एक्सटेंड की है
उसके बाद सिमिलरली बी और बी डैश की जो लाइन पॉइंट्स हैं इनको मिलाते हुए लाइन को एक्सटेंड किया, तो ये तीनों लाइन्स कहाँ पे मिल रही है, एक पॉइंट ओ पे, इसलिए उसने यहाँ पे इनको मेंशन किया है ए ए डैश बी बी डैश सी सी डैश आर कंकरेंट, क्योंकि ये तीनों लाइन्स एक ही पॉइंट पे आपस में टच कर रही है। दे आर सेड टू बी कोएक्सियल इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी सी एंड बी डैश सी डैश एंड सी ए और आगे फर्दर उसके सारी लाइन्स हैं आर कोलिनियर। They are said to be coaxial if the points of intersection of BC, BC के intersection का point, B dash, C dash, ये दोनों का intersection point and CA, इसका intersection point, CA का intersection point कहाँ पे, ये CA line है और AB and A dash, B dash are collinear। अब ये collinear आपने मुझे बताना है ये कैसे collinear होंगे। क्लास आपने मुझे बताना है कि ये तीनों किस तरह कोलिनियर होंगे, बल्कि सिक्स लाइन्स हैं। ट्राइंगल तो यहाँ पे समझ आ गई है कि दो ट्राइंगल भी हैं। मुझे डायग्राम इतनी कॉम्प्लिकेटेड से समझ नहीं आ रही। डायग्राम में सिर्फ आप इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हुई देखें, सिर्फ आप लोग इस वक्त जो लाइंस के साथ ट्रायंगल उसे दी हुई है इसको माइंड में रखें, ए बी और ये सी, ये एक ट्रायंगल है, ये सेकंड वाली ट्रायंगल है ए डैश बी डैश और सी डैश, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसकी साइड्स को मिलाना है, साइड्स को किस तरह मिलाना है, ये बी और बी डैश साइड को मिलाएं, ठीक है ये इस लाइन से मिलेंगी ये वाली लाइन, ठीक है उसके बाद आपने ये जो सी है पॉइंट इसको सी डैश के साथ मिलाना है, जो ये आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल ये वाली स्ट्रेट लाइन यहाँ पे चल रही है, ठीक है जी। उसके बाद ए और ए डैश पॉइंट को मिलाया वो ये चीज आ गई, ठीक है अब इसको तीनों को कहता है कंकरेंट शो करना है, उसने इसको एक्सटेंड कर दिया पीछे वाली साइड पे इनको मजीद बढ़ा दिया, तीनों एक पॉइंट से पास करिए जो ओ है। सेकेंडली अब कहता है दे आर सेड टू बी कोएक्सियल इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी सी, कोएक्सियल किस कंडीशन में कहता है कि लाएंगे ओ से बी पे, ओ से बी पे फिर ड्रॉ किए फिर बी से एक्सटेंड करके बी डैश तक हम लिख दें, पहले हम ओ से बी तक ले बोले बोले जी, पहले हम ओ से बी लेके आए और बी से बी डैश लेके गए या बी से बी डैश ड्रॉ करके मैंने एक्सटेंड किया। बिल्कुल ऐसे नहीं है, अगर इस तरह लेके जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसी पॉइंट से आ रही है, हो सकता है हम यहाँ पे पॉइंट भी इंटर कर लें, ये साइड्स मिलाई हैं उसने जी, साइड्स को मिलाना है पहले, तो सिर्फ आपने ये पीछे की तरफ तो जाना ही नहीं अभी, सिर्फ ये साइड मिलानी है, बी से बी डैश साइड मिलाई है, सी से सी डैश साइड मिलाई है और ए से ए डैश साइड मिलाई है, फिर उसे एक्सटेंड किया है जी। अगर आप देखें इसको एक्सटेंड करने का जो वे है, अगर आप इसको नीचे वाली साइड पे एक्सटेंड करते हैं यानी कि ए डैश से नीचे किस तरफ एक्सटेंड करती हूँ सी डैश से या बी डैश से, तो ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि इसका गैप इस तरफ बढ़ रहा है, गैप कम कहाँ पे हो रहा है, ऊपर वाली ट्राइंगल की तरफ, तो इसको हमने पीछे की तरफ जो है वो एक्सटेंड किया है जो एक पॉइंट ओ पे मिल रही है, ठीक है तीनों लाइन जो है हमने ड्रा की है, तो यहाँ पे वो एक ओ पॉइंट पे मिल रही है जिसकी वजह से वो कंक्रेंट कहलाई है, आगे जो है वो क्लीनियरिटी हमने शो करनी है कि कॉक्सल कहलाएंगी अगर वो सारी की सारी लाइन जो है वो क्लीन है। अब इसके अंदर क्लीनियर जो है, अब उसके लिए यहाँ पे एंड का जो वर्ड यूज किया हुआ है उसको आपने माइंड में रखना है, इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी सी एंड बी डैश सी डैश, कोमा लगा दिया उसने आगे जी मैम, सी ए एंड सी डैश ए डैश फिर कोमा लगा, ए बी एंड ए डैश बी डैश आर कोलिनियर, पेयर बना दिए उसमें, अब पेयर बने हैं वो कोलिनियर फॉर्म बन रही है, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बी सी एंड बी डैश सी डैश वो कोलिनियर होना चाहिए, वो कोलिनियर है ऑब्वियसली कोलिनियर है, अब आपने मुझे बताना है कि ये कोलिनियर कैसे है, सिर्फ इतना जो मैंने हाईलाइट किया सिर्फ उसको बताना है कि इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्लीनियर कैसे है।
जिन लाइंस को जब एक्सटेंड करेंगे तो वो करेंगे। कहाँ पे मिल रहे हैं, पी के ऊपर, एक्सिस के ऊपर है। बिल्कुल यही है। बी सी एंड बी डैश सी डैश, ये मेनेलिस थ्योरम जो हमने किया है उसके अंदर भी कोलिनियर पॉइंट्स थे, और कोलिनियर पॉइंट्स का बिल्कुल ये मीन नहीं था कि हमने उसको साइड्स पे ही टच किया था। अगर आप देखें तो हमने वहां पर एक साइड एक्सटर्नली एक्सटेंड की थी, जिसकी वजह से तीनों साइड्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स जो थे वो क्लीनियर आ रहे थे। यहाँ पे भी वही वे यूज किया है, हम मिनेलिस और सिवा की ही एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी साइड दोनों को एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट आया पी, वो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इट्स मीन जो इनका क्लीनियर पॉइंट थी, क्लीनियरिटी को शो कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंडली सी ए एंड सी डैश ए डैश। जी जी बोले। अब अभी तो जस्ट हमने ये डिस्कस किया था डायग्राम में कि हमें ट्रायंगल्स लिए और उनके ऊपर जो वो पता ड्रॉ किए हैं तो उनको हमने एक्सटेंड किया है। ये पी और आर लाइन और ये जो नीचे क्यू पॉइंट, इनको तो अभी हमने किया नहीं था टच, तो ये फिर डायरेक्टली पता नहीं चल रहा अब कैसे वो होने। अभी ये चीज डिफाइन करनी है। पहले तो सिर्फ ये ट्राइंगल थी, उसके अलावा ये पॉइंट ले लिया कि ये संकरण है। अब वो कहता है अब जो जी ये साइड्स हैं, सारी जो साइड्स हैं पूरी ट्राइंगल्स की, जितनी भी साइड्स हैं, कोएक्सियल पॉइंट्स आएंगे, एक ही लाइन से, एक ही पॉइंट से निकलेंगे तीनों। अब वो किस तरह आएंगे उसकी कोलिनियरिटी पहले चेक करनी है, फिर बताऊंगी पॉइंट कैसे हैं। अभी मैंने सिर्फ ये वाली जो हाईलाइट किया लाइन, इसको अभी डिफाइन नहीं कर रही, अभी सिर्फ मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ, बी सी एंड बी डैश सी डैश, इनको एक्सटेंड किया है दोनों को। ये साइड है मेरे पास बी सी, और ये बी डैश सी डैश वाली साइड है, इन दोनों को एक्सटेंड किया है। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम है क्योंकि वो क्लीनियर इसको बोल रहा है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहले हम लेंगे, इन दोनों को हमने इंटरसेक्ट किया, ये एक्सटेंड किया हमने, और ये इंटरसेक्ट हुई है कहाँ पे, एक पॉइंट पी पे। ठीक है, उसके बाद जो जी है वो साइड ली है हमने सी ए एंड सी डैश ए डैश। ये मेरे पास साइड है सी ए, और ये साइड है सी ए सी डैश और ए डैश। अब इसको भी एक्सटेंड किया है मैंने, और ये मिली है एक पॉइंट क्यू पे। ठीक क्यों पे है, अब उसके बाद हमने लिया ए बी एंड ए डैश बी डैश। ये है मेरे पास ए बी साइड, और ये मेरे पास है साइड ए डैश बी डैश साइड। ठीक है, इनको भी हमने एक्सटेंड किया, ये कौन से पॉइंट पे मिली है मेरे पास, ये देखें आर पे। आर पॉइंट अब इन तीनों को अगर मिलाऊं मैं यहाँ पे, तो ये एक ही लाइन पे आती है। जी मैम, जी ठीक है, तो वो यही चीज यहाँ पे शो कर रहे हैं मैम, कि इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर्स, और अब ये जो साइड्स हैं वो क्या कहलाएंगी, कॉक्सियल साइड्स कहलाएंगी। अब कॉक्सियल क्यों कहलाएंगी, इसको मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे कॉक्सियल की फॉर्म दिखाती हूँ, ये देखो पूरी एग्जैक्टली अगर टेबल की फॉर्म दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पे, ये पहले वाली फर्स्ट वाली फिगर है, एक ही पॉइंट से निकल रही है लाइन, इसके अंदर बहुत सारी वायर्स हैं जो एक ही पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टच निकल एक से ही रही है, जी डिफरेंट वेज में जा रही है। वो यहाँ पे भी यही चीज मेंशन कर रहे हैं कि एक ही पॉइंट से निकल रही है लाइन, क्योंकि अब ये फिगर जो है, अगर इसको हमने टोटली डिफरेंट वे में डिफाइन करना हो, तो आर एक पॉइंट है, एक्सिस है, जिससे ये बहुत सारी लाइन जो है पास कर रही है, इसमें लाइन जो है पास कर रही है। देखिए अगर यहाँ पे ये तीन लाइन पास कर रही है, और आगे जाके वो मजीद बिखर रही है, मजीद आगे लाइन में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए उसने इसको कॉक्सियल बोला है कि तीनों जो है वो कॉक्सियल फॉर्म बनाएंगी, और एक ही पॉइंट पे दूसरे जो ट्राइंगल्स है उनको टच करेंगी, देन वो कॉक्सियल फॉर्म कहलाएंगी, और उनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो भी कोलिनियर होंगे। जो हमने अभी देखा है कि वो कोलिनियर ही है, हमने साइड को एक्सटेंड किया है, ये साइड को एक्सटेंड किया था बी सी और बी डैश सी डैश को, सिमिलरली हमने सी ए और सी डैश ए डैश को एक्सटेंड किया था, उसके लिए मेरे पास क्यू आया था, और ए बी और ए डैश बी डैश को एक्सटेंड किया तो वो आ रहा है, और वो तीनों एक ही लाइन से आ रहे हैं, वो तीनों पार्ट्स हैं हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब ये छोटी सी डेफिनेशन क्लियर हो गई है जो सिर्फ तीन लाइंस की है, तो मैं मैम दोबारा जी, से डेफिनेशन डेफिनेशन है ना कि ट्राइंगल्स कब कोपलर होंगी और कब कोक्सल। बिल्कुल ऐसे ही है, टू ट्राइंगल्स हैं वो कॉपलर होंगी, और जी किस मैम, कंडीशन के साथ होंगी, एक तो वो कंकरेंट होंगी और दूसरी वो कॉक्सियल होंगी। एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स के कॉपुलर होने की तीन कंडीशंस होंगी यहाँ पे। कॉक्सियल के अंदर वर्ड यूज कर लें या एज इट इज ही रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉपुलर कब होंगी, ये छोटा सा एमसीक्यू भी बन सकता है कि दो ट्राइंगल जो है वो कॉपुलर होंगी किस कंडीशन के साथ होंगी, एक तो उनकी पॉइंट्स जो हैं कंकरेंट होंगे, लाइंस जो बनेंगी मैम जी, एक्सटेंड कॉक्सल का करेंगी। वर्ड ट्राइंगल के लिए यूज हुआ।
क्या हुआ? ये जो कोएक्सल का वर्ड यूज हुआ है, ये जो कोएक्सल का वर्ड यूज हुआ है मैम, ये वर्ड ट्रायंगल्स के लिए नहीं यूज हुआ? ये ट्रायंगल के लिए यूज नहीं हुआ, ये उसकी साइड के लिए यूज हुआ है। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉपलर इफ, आगे उसकी कंडीशन है कि किस कंडीशन में होगा, इफ उसके जो सेम सेम वाली साइड्स के पॉइंट्स हैं वो कंकर्ड होंगे, और सेकेंडली कहता है दे आर सेड टू कॉक्सल, उसकी साइड जो हैं वो कॉक्सल की कंडीशन भी कहलाएगी इफ पॉइंट्स जो उसके लाइंस एक्सटेंड करते जा रहे हैं तो वो इंटरसेक्ट होंगी और वो कोलिनियर फॉर्म होगी। अबे आगे जो है उसको प्रूव किया है, कॉपलर ट्रायंगल्स को कॉक्सियल ही प्रूव किया हुआ है। कॉक्सियल क्यों प्रूव किया? क्योंकि उसकी साइड को एक्सटेंड कर लें वो एक ही लाइन में से निकलती हैं, दोनों चीजें डिफरेंट हैं, कॉपलर डिफरेंट है और कॉक्सियल डिफरेंट है। हाँ जी, सिंपली ये मतलब कॉपलर ट्रायंगल्स कब, दो ट्रायंगल्स कॉपलर कब होती हैं? दो ट्राइंगल की कॉपलर तब होती हैं जब उसकी साइड्स जो हैं वो कंक्रीट होती हैं और उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग जो लाइंस आती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो क्लियर है। ठीक है मैम। साइड्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्लियर है। सिर्फ दो ही इसकी कंडीशन हैं जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उसकी जो साइड्स हैं कंक्रेंट होंगी दोनों ट्राइंगल्स की, और सेकेंडली उसकी जो साइड्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे। और अब अगर आप इसको देखें मिनेलिस और सिवा के साथ, इसी डायग्राम को अगर मैं कंपेयर करती हूँ मिनेलिस और सिवा थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखें इस ट्राइंगल को ए सी और बी, इसके अंदर से तीनों साइड्स के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमने पास किए दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग, उसको एक्सटेंड किया एक्सटर्नली। और अभी हमने मिनेलिस और सिवा की जो कंडीशन पढ़ी थी ऊपर, उसके अंदर यही था कि हमने एक साइड जो है एक्सटेंड करनी है, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर पास करनी है और वो डिफाइनिंग होगी। अब ये हमारे पास जो है वो डिसॉर्गेस टू ट्राइंगल थ्योरम है। अब मिनेलिस और सिवा की कंडीशन जो है वो पीछे रह गई है। अब ये थर्ड उसी के अंदर से उसने एक मजीद एप्लीकेशन डिफाइन किया डिसॉर्गेस टू ट्राइंगल थ्योरम। पहले जो मिनेलिस और सिवा है उन्होंने एक एक सिंगल सिंगल ट्राइंगल के लिए वर्क किया था, फिर उसके बाद उन्होंने कंबाइन वर्क किया था, उसके बाद डिसॉर्गेस ने वही वर्क जो है वो ट्रू ट्राइंगल्स के लिए किया है, लेकिन उसके अंदर उसने ट्राइंगल्स को कॉपलर ट्राइंगल्स शो किया है। और यहाँ पे देखें एक वर्ड आगे मेंशन है, कॉपलर ट्राइंगल्स आर कॉक्सियल एंड कन्वर्सली। ऊपर जो डेफिनेशन दी हुई है वो बेसिकली कॉपलर ट्राइंगल्स हैं, कॉक्सियल जो है उसकी साइड्स हैं, कहता है अगर साइड्स कोएक्सियल हैं तो कॉपलर ट्राइंगल्स भी होगी और कॉपलर ट्राइंगल्स जो है कोएक्सियल भी होगी, कन्वर्सली हमने प्रूव करना है। अब इस प्रूव थ्योरम की अगर आपको स्टेटमेंट पूछी जाती है तो स्टेटमेंट आप जस्ट यहाँ से सिर्फ इतनी ही डिफाइन कर सकते हैं, कॉपलर ट्राइंगल्स आर कोएक्सियल एंड कन्वर्सली। अब अगर आपको पूछा जाता है कि कॉपलर ट्राइंगल्स क्या है तो फिर आपने उसकी ये पूरी की पूरी डेफिनेशन भी वहां पे देनी है कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉपलर इफ ए ए डैश जो उसकी साइड्स हैं आर कंकरेंट हैं एंड दे आर सेड टू बी कोएक्सियल, और उसकी साइड जो है वो कोएक्सियल भी कहलाएंगी। किस कंडीशन में कहलाएंगी? अगर वो साइड्स को इंटरसेक्ट किया जाए तो वो पास करती हुई एक लाइन में से गुजरे और वो लाइन पॉइंट जो है वो क्लीनियर लाइन कहलाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे जो है थ्योरम का प्रूफ है, ट्राइंगल वही यूज की हुई है उसी के अकॉर्डिंग दोबारा से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट टू ट्राइंगल्स ए बी एंड ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश, सपोज ए डैश ए ये कंकरेंट है ऊपर जो हम सारा पढ़ के आए, और उनको कहता है आगे एक्सटेंड कर लें इन द पॉइंट ओ, पॉइंट ओ में से वो कंकरेंट है। लेट पी क्यू आर बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी सी बी डैश सी डैश, जो भी हमने ऊपर किया है वही यहाँ पे दोबारा से उसने एक्सप्लेन किया है कि पी क्यू आर जो है वो एक कोलिनियर लाइन है इंटरसेक्टिंग कर रही है, जिसके ऊपर ये दूसरे अदर साइड जो है वो इंटरसेक्ट कर रही थी पास करते हुए। उसके अकॉर्डिंग कंसीडरिंग द ट्राइंगल्स बी सी ओ, अब ट्राइंगल्स उसने डिफरेंट ले लिया है क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है मिनेलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग और सिवा थ्योरम के अकॉर्डिंग। कंसीडर द ट्राइंगल्स बी सी ओ एंड सी ए ओ ए ओ ए बी ओ इंटर्स विद द रिस्पेक्टिव ट्रांसवर्स बी डैश सी डैश टी, ये सारी ट्रांसवर्स जो मैं बाद में करती हूँ, पहले ये देखें बी सी ओ ट्राइंगल कौन सी है। बी सी ओ बिल्कुल ये वाली ट्राइंगल है, ये नहीं आ रहा, ये वाला लाइन वाला हिस्सा नहीं आएगा, ये ट्राइंगल बनेगी जस्ट ये वाली बी सी एंड ओ, सिर्फ और सिर्फ ये इतनी सी ट्राइंगल बनेगी बी पर। ठीक है, और सेकेंडली है सी ए
ओ, ये सी, ये मेरे पास ए और ये ओ। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये पहले वाली बी सी ट्रायंगल बिल्कुल बी नहीं आ रही, बिल्कुल बाहर वाली ट्रायंगल्स आ रही हैं, बी सी ओ और ओ सी ए या सी ए ओ ले लें। अब थर्डली कहता है ए बी ओ, अब पूरी ट्राइंगल आएगी ए बी ओ। और अगर आप इस ट्राइंगल को सिर्फ और सिर्फ ये जो इतनी सी ट्राइंगल अगर इसको देखें तो इस वक्त ये 3 डायमेंशन की ट्राइंगल शो हो रही है सामने से, सिर्फ बिल्कुल सामने से एक साइड 3 डिमेंशनल ट्राइंगल की है विद रिस्पेक्टिव ट्रांसवर्सल। अब इसका रिस्पेक्टिव ट्रांसवर्सल जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन थी उसके अकॉर्डिंग इसको हम डिनोट करेंगे, बी डैश सी डैश पी, बी डैश सी डैश एंड पी। ये लाइन है एंड नेक्स्ट पे सी डैश ए डैश क्यू, ये सी डैश ए डैश एंड क्यू और थर्डली ए डैश बी डैश आर, ए डैश बी डैश और आर। अब यहाँ पे ये क्यों डिफाइन किए, मेरा एक छोटा सा पॉइंट है आपसे। ने लिख भी दिया यहाँ पे बाय द मिनेलिस थ्योरम, तीन उसने ट्रायंगल्स ली हैं और उसके अलावा तीन उसने साइड्स ली हैं, ट्रायंगल नहीं है ये, ट्रांसवर्सल हैं, रिस्पेक्टिव ट्रांसवर्सल। मैंने ट्रांसवर्सल का क्या मतलब है? यही चीज मैंने आप लोगों से पूछनी है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। और उसने यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख दिया बाय मिनेलिस थ्योरम, हम इसको फाइंड भी करेंगे। अभी सिर्फ आप देखें बी सी ओ, इसके अकॉर्डिंग ट्रांसवर्सल उसने क्या ड्रॉ किया है। अब ट्रांसवर्सल भी मैं बताती हूँ क्या है, अगर आप में से किसी को पता है तो जल्दी से बोलें। मैंने ट्राइंगल हाइट की है यहाँ पे हाईलाइट किया बी सी ओ, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसवर्सल है बी डैश सी डैश पी, ये वाली साइड सेकंड वाले के अकॉर्डिंग सी ए ओ, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसवर्सल है सी डैश ए डैश एंड क्यू। इसको मैं पेज पे बना के आप लोगों को सेंड करती हूँ। सिर्फ एक ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, ट्राइंगल है सबसे पहले मेरे पास बी सी ओ, आप लोगों ने मीटिंग दोबारा से ज्वाइन